प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन कर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले एक साल से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कृषि कानूनों के वापसी की घोषणा होने के साथ ही किसानों व विपक्षी पार्टियों ने खुशी जाहिर करते हुए इस सरकार के अहंकार की हार और अपनी जीत करार दी है। इसी के साथ किसान नेताओं ने किसानों को चेताते हुए MSP पर लड़ाई जारी रखने की बात कही। ये किसानों मजदूरों के एकजुटता, लंबे संघर्ष और जो शहादतें प्राप्त की हैं किसानों मजदूरों ने, उसका परिणाम है कि आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। ये जीत किसी एक नेता और मोर्चे से ज्यादा उन लाखों करोड़ों किसानों की जीत है जिन्होंने पिछले एक साल में अपने दुख सुख, गर्मी सर्दी बरसात की परवाह किए बिना मोर्चों पर डट के पहरेदारी की। 700 से अधिक उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान इस आंदोलन के लिए लगाई। चुनाव के कारण ही सही लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन दोस्तों ये जीत अभी अधूरी है। हमारी दो बड़ी मांगें थी, ये जो मुसीबत थी तीन काले कानून, इन्हें खत्म किया जाए, लेकिन साथ ही हमने कहा था कि हमें अपने मेहनत का पूरा दाम मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2011 में उठाई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसकी कानूनी गारंटी मिले, ये भी हम चाहते हैं। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद ही दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले एक साल से डटे किसान खुशी से झूम उठे। जश्न का माहौल हर तरफ दिख रहा है। किसान एक दूसरे के गले मिलकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। किसानों ने इसे लंबे संघर्ष की जीत बताकर मिठाइयां बांटी और जलेबियां भी खाई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने इसके लिए हवन भी किया। ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाच गा कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि किसान अभी आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वे किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं लेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी साफ किया है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के साथ साथ किसानों से संबंधित दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है, संसद में जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम यही इंतजार करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार के अहंकार की हार बताते हुए ट्वीट किया, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 17 सितंबर को कृषि कानून बिल लोकसभा में पास करवाया था जिसे लेकर देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि इन तीनों कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसान पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे। IMS रिपोर्ट। पंजाब दौरे से पहले गुरु पर्व के मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेका। वहीं एक साल बाद केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने के फैसले को केजरीवाल ने किसानों के साथ जनता की भी इसे जीत बताई है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में 700 लोगों की मृत्यु का दुख है, इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर केंद्र पहले ही कानूनों को वापस ले लेती। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो एक साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे, आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो उन्होंने, जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था, लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से तीन कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
गौरतलब है कि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर केजरीवाल 20 नवंबर को पंजाब के मोगा जाने वाले हैं। वहीं उनके बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से मुलाकात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले गुरुवार को उनकी WWE के पूर्व स्टार ग्रेट खली से मुलाकात के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में पंजाब में चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसली है। केजरीवाल ने भी पंजाब की जनता के लिए वादों की छड़ियां लगा दी हैं। राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, तभी हम कुछ किसानों को समझाने में विफल रहे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। पीएम ने कहा कि हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। इस ऐलान के बाद किसानों ने इसका स्वागत किया है। कृषि कानून वापस लेने की घोषणा से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बात की खुशी मनाने की कई तस्वीरें सामने आई हैं। किसान बॉर्डरों पर मिठाई बांट रहे हैं, अपनी जीत का जश्न ढोल और नगाड़ों के साथ मना रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इसे अपनी जीत बताते हुए हवन भी कर रहे हैं। हालांकि किसान अभी आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने संकेत दिए हैं कि वे किसान आंदोलन तत्काल वापस लेने की मूड में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, तीन कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाड्डू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। देश के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है कि काले कानूनों को वापस लिया जाता है। अभी तक कोई लिखित और काले कानून वापस नहीं हुए हैं। हमारे संयुक्त मोर्चा और आदरणीय राकेश टिकैत जी अभी भी दूसरी जगह स्टेटों में अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। हम सभी देशवासियों से ये कहेंगे कि सब अपने अपने बॉर्डरों की तरफ आए, यहीं पर बैठकर संयुक्त मोर्चा आदरणीय राकेश टिकैत जी जो निर्णय लेंगे, और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कुछ आगे की गतिविधियां हुई हैं उनकी बारे में जो जानकारी मिलेंगी उसके बाद ही कोई अगला स्टेप होगा। इसी के साथ राकेश टिकैत ने साफ किया है कि सरकार
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के साथ साथ किसानों से संबंधित दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें। वहीं किसानों का भी यही कहना है कि वे संसद में कानून के पारित होने का इंतजार करेंगे, तभी वॉटरों से हटेंगे। गौरतलब है कि तीनों नए कृषि कानून 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराए गए थे। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले एक साल से अपनी मांगों को लेकर अड़ी रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।